अमिता शर्मा फ्रॉम माइक्रो कंप्यूटर्स। आइए आज हम देखते हैं डोज के इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स की लिस्ट को। इंटरनल कमांड्स जो कि बाय डिफ़ॉल्ट command.com नामक फाइल में डले हुए होते हैं, जब भी हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो वो उसके अंदर होते हैं और वो काम करते हैं। एक्सटर्नल वो जो उसके अंदर नहीं होते हैं, जिन्हें हमें आवश्यकता अनुसार डालना होता है। जैसा कि मैं पहले अपनी किसी वीडियो में बता चुकी हूँ कि इंटरनल और एक्सटर्नल का अंतर हम ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह से, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम अपनी आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर में डालते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डले डलाए होते हैं, उनके गैर मौजूदगी में कंप्यूटर काम नहीं करता है, वो इतने आवश्यक होते हैं। और कुछ सुविधा की दृष्टि से भी बनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो डोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डले डलाए कमांड्स होते हैं वो हमारे इंटरनल कमांड्स कहलाते हैं, और जो अलग से हमें आवश्यकता अनुसार डालने की ज़रूरत पड़ती है उन्हें हम एक्सटर्नल बोलते हैं। इंटरनल कमांड्स और एक्सटर्नल कमांड्स बहुत सारे हैं, किंतु कुछ जिनको मैं यहाँ पे जो मुझे अभी याद हैं, ध्यान है, या जो मैं आपको बता सकती हूँ, मैं आपको एक तरीका भी बताऊँगी जिससे आप बहुत आप डोज में आपके कंप्यूटर में जो जो भी कमांड्स हैं वो सभी देख भी सकते हैं कि उसमें कौन कौन से कमांड हैं, और उससे आपको ये भी पता लग सकता है लगभग कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है। फिलहाल मैं आपको कुछ इंटरनल कमांड्स की लिस्ट यहाँ पे बताने जा रही हूँ और कौन सा कमांड क्या काम करता है वो यहाँ शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि डिटेल के लिए हम आगे की वीडियोस में जाएंगे और मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊँगी जिससे आप उन सब कमांड्स को स्वयं देख के और स्वयं भी काम में ले सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इंटरनल कमांड्स की लिस्ट। देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ इंटरनल कमांड्स की लिस्ट है। ये DIR, ये डायरेक्टरी का शॉर्ट नेम है। तीन अक्षर डोज में कमांड के काफ़ी होते हैं, तीन अक्षरों से भी डोज जो है कमांड को समझ जाता है। तो DIR डायरेक्टरी के लिए कमांड है, और इसको देने का तरीका होता है, DIR के साथ हम बहुत सारे स्विचेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, केवल DIR भी लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इतनी डिटेल में नहीं जाके आपको बताऊंगी। DIR डायरेक्टरी देखने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, और डायरेक्टरी मीन्स होता है जैसे आपके विंडोज़ में फोल्डर आप देखते हैं पीले कलर के जो है, फोल्डर बैग्स जैसे बने हुए होते हैं, अलमारियां बनी हुई होती है, उसी प्रकार से डोज में उन फोल्डर्स को डायरेक्टरी नाम से जाना जाता था और जाना जाता है। तो हमारे कंप्यूटर में कितने फोल्डर्स बने हुए हैं, हमारी पर्टिकुलर ड्राइव में कौन कौन से फोल्डर्स बने हुए हैं, ये सब देखने के लिए जो है DIR कमांड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कमांड आता है हमारा CLS, पूरा नाम है इसका क्लियर स्क्रीन, और ये स्क्रीन को साफ करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जब हम डोज में काम करते हैं तो हमारी स्क्रीन भरती चली जाती है, ऑटोमेटिकली ये खाली नहीं होती है, और हमारा कर्सर हम सोचें कि हम बैक स्लैश दबा के या डिलीट दबा के और पीछे वापस पूरा ऊपर आ जाएं तो हम नहीं आ सकते हैं, इसलिए CLS कमांड का प्रयोग किया जाता है, जो कि स्क्रीन को क्लियर कर देता है और हमारे कर्सर को वापस ऊपर की तरफ स्क्रीन पर कॉर्नर पे सेट कर देता है, और हम दोबारा कमांड्स को आराम से कर सकते हैं। दे तो हम कमांड्स को तब भी सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी उसमें समस्या होती है कि कचरा सा दिखने लगता है। नेक्स्ट आता है हमारा एग्ज़िट, जो कि डोज से बाहर आने के लिए, यदि आप डोज पे काम कंप्लीट कर चुके हैं और आपको डोज को बंद करना है तो एग्ज़िट द्वारा आप डोज से बाहर निकलेंगे। वॉल यानी वॉल्यूम, ये जो है हमारे जो डिस्क में जो लेबल लगा हुआ है उसको देखने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, और लेबल कमांड हमारा एक्सटर्नल कमांड होता है, उससे हम उस लेबल को चेंज भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा वर्जन VER। डोज के कौन से वर्जन पे आप कम कर रहे हैं, इसको जब आप डोज प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे VER को, तो ये कमांड आपको डोज के करंट वर्जन को प्रदर्शित करता है कि आप डोज के कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है रीनेम। रीनेम जो है डोज में किसी भी फाइल के नाम को चेंज करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट कमांड आता है हमारा कॉपी, जो कि हमारी एक फाइल को या हमारी डायरेक्टरी वगैरह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। कॉपी मीन्स एक जहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं उस स्थान पर भी वो रहेगा और अगले स्थान पर भी वो जाएगा। बाकी अभी हम और बहुत सारे कमांड्स हैं जिनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मेरी वीडियो, सब्सक्राइब करें और ओके बाय, थैंक यू।